Hey guys, welcome back to our channel Sharma Ji Ka Beta Imbibe Complex Concepts. Anil Vij ko to aap sabhi jante hi honge. Ye Haryana government mein health minister hai aur aksar apne badbole bayanon ke chalte news mein bane rehte hain. Lekin aaj inke news mein hone ka karan kuch aur hai. Aaj yani 5 December 2020 dopahar 12:29 par inhone tweet karke jankari di ki wo corona positive paye gaye hain aur Ambala City Hospital mein admit hue hain. Ye 2 December को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और बाबा रामदेव से भी मिले थे। आप ये सोच के हैरान हो रहे होंगे कि जब हिंदुस्तान में अब तक लगभग 96 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी भी हजारों लोग रोज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये न्यूज आखिर इतनी बड़ी क्यों है। अनिल विज ने 20 नवम्बर को कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर किया था। इन्होंने 20 नवम्बर 2020 को कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया था। ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाई है। ये खबर आने के बाद लोग दहशत में हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन सेफ है और क्या ये कोरोना से बचा सकती है। विज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग इस वैक्सीन के असर को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं और तरह तरह की आशंकाओं को हवा दी जा रही है। कुछ लोग तो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप स्क्रीन पर ट्वीट्स देख सकते हैं। तो क्या वैक्सीन असरदार नहीं है, ये कहना बेहद जल्दीबाजी होगी। विज ने पीटीआई को फोन पर कहा कि मुझे बताया गया था कि दूसरी डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज विकसित होने लगती हैं और दूसरी डोज पहली डोज लगने के 28 दिनों के बाद दी जाती है। दूसरी डोज दिए जाने के 14 दिन बाद एंटीबॉडीज पूरी तरह से विकसित होती हैं, तो वैक्सीन का पूरा चक्र 42 दिन का होता है और इस बीच में कोई सुरक्षा नहीं होती। अब ये समझते हैं कि हमें इस घटना से डरने की जरूरत क्यों नहीं है। जब किसी भी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो 50% लोगों को असली दवाई दी जाती है और 50% लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो का अर्थ है असली दवाई की जगह पर अहानिकारक और असरदार दवाई देना। ये रैंडम बेसिस पर दिया जाता है और किसी को यानी न वैक्सीन लेने वाले को और न ही देने वाले को पता होता है कि किसे प्लेसिबो दिया गया है और किसे असली वैक्सीन। इसका रिकॉर्ड गुप्त तरीके से मेंटेन किया जाता है। ये वैक्सीन ट्रायल का निर्धारित तरीका है। दूसरा, ये वैक्सीन दो डोज की है। दूसरी डोज पहली डोज के 28 दिनों के बाद दी जाती है और उसके बाद 14 दिन और लगते हैं एंटीबॉडीज बनने में। विच के केस में अभी सिर्फ पहली डोज ही दी गई थी जो 20 नवंबर को दी गई थी, इसलिए विच के कोविड पॉजिटिव होने की खबर को यह नहीं माना जा सकता कि वैक्सीन फेल हो गई है। डॉक्टर MC मिश्रा एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है और इसी के साथ ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगा खेड़कर ने भी इसी बात की पुष्टि की है। तो हमें अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव होने के न्यूज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन असरदार है या नहीं इसका पता हमें ट्रायल प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही चलेगा। हम ये प्रार्थना करते हैं कि अनिल विज और दूसरे लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, वे जल्द ही इससे रिकवर हों और हम आपसे भी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक खुद को सुरक्षित रखने की अपील करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।